इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दोपहर के 2 बजने वाले आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं ज्योति मिश्रा। वक्त इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई की है और इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा है कि आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये भावनात्मक मामला है, लोगों की जान जा रही है, ऐसे में इतना असंवेदनशील कोई कैसे हो सकता है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, सीधा संवाददाता गोनिका अरोड़ा के पास चलते हैं ज्यादा अपडेट के लिए। लेकिन इससे पहले कि गोनिका के पास जाएं, आपको बता दें कि आज कोर्ट ने क्या कहा। आज हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा तल्ख टिप्पणी की है केंद्र सरकार को लेकर और केंद्र से सवाल पूछा है मैनेजमेंट को लेकर कि इतना असंवेदनशील कोई कैसे हो सकता है। यहां तक कि ये भी कह दिया आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं, केंद्र मामले को लेकर असंवेदनशीलता दिखा रहा है। बहरहाल, इस पूरी सुनवाई के दौरान आज सरकार ने फिर क्या दलील दी, क्या पक्ष रखा, जानते हैं। गोनिका हमारे साथ फिर जुड़ चुकी है। गोनिका, आज कुछ ज्यादा ही तल्ख टिप्पणी कर दी हाईकोर्ट ने, केंद्र की तरफ से क्या कोई जवाब आ पाया? देखिए बिल्कुल, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार से पूछा जा रहा था कि आखिर आपकी तरफ से जो मदद दिल्ली सरकार की तरफ से मांगी जा रही है वो क्यों नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले आदेश पारित किया है, उस आदेश के मुताबिक ये कहा गया था कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कोटा अलॉट किया गया है, वो 3 मई की मध्यरात्रि तक उन्हें दे दिया जाए, यानी कि कल तक वो कोटा देना था। लेकिन आज भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्हें आज भी जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उतनी सप्लाई नहीं हो पाई है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कल भी केंद्र सरकार से पूछा था कि दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या हुआ, जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि हम अपनी एबिलिटी में जितना बेस्ट है वो कर रहे हैं। लेकिन आज कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, कोर्ट ने ये कहा है कि आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, हम लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, लोग सिर्फ कुछ ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ रहे हैं, तो क्यों आखिर दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, जितना कोटा कहा गया था 700 मीट्रिक टन का वो आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, टैंकर्स को लेकर बात बार बार इसी सवाल पर बार बार केंद्र ने एक ही जवाब दिया है कि हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पर्याप्त मात्रा में टैंकर लाएं और ऑक्सीजन ले जाएं। तो इसके लिए सवाल केजरीवाल सरकार पर उठता है, क्या इस पर कोई जवाब नहीं मिल पाया? देखिए, इस पर हाईकोर्ट ने ये साफ किया था कि क्योंकि दिल्ली ऐसे स्टेट है जिसके पास ज्यादा ना तो टैंकर्स हैं और ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसलिए अगर उन्हें टैंकर्स की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, तो वो भी केंद्र सरकार मुहैया करवाए। और इसी को लेकर आज सजेशन एमआईकस की तरफ से दिया गया है कि महाराष्ट्र में इस वक्त ज्यादा अगर जरूरत ऑक्सीजन की नहीं है, कुछ टैंकर्स ऐसे हैं जो फ्री हैं, तो क्यों ना उनको दिल्ली की तरफ रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर का अपडेट दर्शकों को दे दें, पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से बातचीत की है। पश्चिम बंगाल में जिस दिन से नतीजे आए, टीएमसी ने सरकार बनाने का, टीएमसी की सरकार बननी है, लेकिन उसके बाद से ही लगातार हिंसा के मामले सामने आने लगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला होने लगा और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और ऐसे में लगभग 9 से 11 लोगों की मौत का जो मामला है वो सामने आया था जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने भी अब मामले में इंटरफेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बातचीत की है, ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या बातचीत हुई आज, प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया? देखिए, बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव नतीजों के बाद से गुंडागर्दी चल रही है, लूट चल रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत चिंतित होकर और अपनी चिंताएं जताई हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर से, और ये बताया है कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो डिटोरिएशन हो रहा है ये अच्छी चीज नहीं है और इस पर लगाम लगानी चाहिए, जाहिर तौर पर जो प्रशासनिक तंत्र है उसे और ज्यादा एक्टिव होना होगा। और जब पीएम पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात कर रहे थे तो गवर्नर ने भी यही रिपोर्ट पीएम को दी है, उन्होंने भी अपनी चिंताएं जताई है कि, और जो उनके शब्द थे उससे ये था कि वायलेंस, वैंडलिज्म, आर्सन, लूट एंड किलिंग ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक तंत्र को जल्द से जल्द इस प्रकार के राजनीतिक हिंसा पर सख्त लगाम लगानी होगी, रोकना होगा। जी, ममता बनर्जी की भी कल गवर्नर से मुलाकात हुई थी, कल उनका शपथ ग्रहण होना है, ऐसे में आज गवर्नर से प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है, क्या गवर्नर अब कोई आदेश जारी कर सकते हैं खासतौर पर ममता बनर्जी से, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से हो रही हिंसा पर ममता लगाम नहीं लगा रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ये निश्चित तौर पर यह चिंता के विषय है, और जब देश के प्रधानमंत्री खुद अपना कंसर्न जता रहे हो और जो उनके शब्द थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बातचीत के दरमियान
उन्होंने ये कहा था कि अलार्मिंगली चिंताजनक स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल में। तो अब देश के प्रधानमंत्री अगर पश्चिम बंगाल किसी राज्य के राज्यपाल से इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। और जाहिर तौर पर वहाँ पे जो प्रशासनिक तंत्र है ममता बनर्जी भले ही नमी कल शपथ लेंगे लेकिन उस पर जल्द से जल्द लगाम लगानी होगी ताकि ये राजनीतिक हिंसा का दौर आगे ना बढ़े। बिल्कुल रविंद्र, महज दो दिन में 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ और ऐसे में पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंडिया टीवी पर कहा था कि ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने भी गवर्नर से बातचीत कर चिंता जाहिर की। शुक्रिया देवेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।